इस वक्त 2 बजने वाले हैं और अभी भी स्टॉप पे रश है। ये शॉप जो है तकरीबन 40 साल से ऊपर ज्यादा हो गए हैं। ये देसी ब्लू स्प्लिटर हमारा तैयार हो गया। अच्छा, इसके नॉर्मल प्राइस कैसे क्या है? इसके प्राइस है 300। लास्ट टाइम आप आए थे तो बर्गर वगैरह थे हमारे पास। बंद कबाब के साथ अब हमने जो नए आइटम जो इंट्रोड्यूस किए हैं हमने पोर्टफोलियो में, जो वो है अरबियन शॉर्मा है, ठीक है, और इसके अलावा पिज़्ज़ा पराठा है। इसके अलावा फ़ास्ट फूड के अंदर हम लोगों ने फ़ास्ट फूड भी हमने स्टार्ट की है। तो ठीक है, नॉर्मल शॉर्मे और अरबियन शॉर्मे में ये होता है कि नॉर्मल जैसे कि हमारे यहाँ होता है वो दो चीज़ों का फ़र्क है बेसिकली। एक तो ब्रेड का फ़र्क है, दूसरा ये कि स्पाइसेस का फ़र्क है। ठीक है, हमारे पास जो शॉर्मा हमने जो इंट्रोड्यूस किया है वो है अरबियन स्टाइल है, और इसके अंदर हमने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस वो की हैं, ऑप्शन रखे हैं। अरबियन चूँकि बिल्कुल लाइट होते हैं, लेस स्पाइसी होते हैं और बिल्कुल लाइट किस्म के होते हैं, और हमारे यहाँ के तो ये है कि हमें बेसिकली आदत है स्पाइसी खानों की, तो दोनों ऑप्शन रखे हैं। जिसने अगर स्पाइसी खाना है वो स्पाइसी खा सकता है, जिसने अगर अरबियन स्टाइल खाना है अरबियन स्टाइल खा सकता है। अच्छा, इसमें तो नॉर्मल शॉर्मा में ब्रेड यूज़ होती है और ये मुझे कुछ चेंज लग रही है, तो इसका कुछ बताएं। देखें, अरबियन शॉर्मा में नॉर्मल शॉर्मा में जो ब्रेड है यहाँ पर हमारे कराची में यूज़ होती है वो पीटा ब्रेड कहलाती है। मोस्टली जो है वो पीटा ब्रेड स्टार्ट यूज़ करते हैं, और अरबियन में पीटा ब्रेड बहुत कम इस्तेमाल किए थे। कोई कोई पीटा ब्रेड इस्तेमाल करता है, कुछ टोटिला ब्रेड इस्तेमाल करते हैं। तो ये है कि हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हमने इसके अंदर जो है बिल्कुल पतली ब्रेड है जो मांडा भी कहलाती है, जो समोसे की होती है, बट ये समोसे की मांडे से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है देखें, सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर अरबियन सॉस डाली है, इसके बाद मैंने रेड कलर की हॉट सॉस डाली है, इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है अपना सैलेड पत्ते डाले हैं, इसके बाद भी मैंने इसके अंदर खीरा डाला है, और इसके बाद चिकन डाला है, इसके बाद मैंने इसके अंदर जो ऐड किया है फ्राइज़ ऐड किए हैं, चिप्स फ्रेंच फ्राइज़ भी ऐड होंगे फ्रेंच फ्राइज़ भी ऐड होंगे। ठीक है, ये होने के बाद ये जो है इसको रैप कर दिया जाता है, ये बेसिकली समझो कि रोल स्टाइल हो जाता है। बेसिकली ये पॉपुलर है डोनर के नाम से, वहाँ पे टर्किश के अंदर डोनर के नाम से पॉपुलर है, और बाकी अरब कंट्रीज़ के अंदर ख़ास तौर पे ये उनका जो स्टाइल है ये हातिम वालों का स्टाइल है। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अरबियन स्टाइल है। इसके अंदर जो है ना, ये असल इस पूरे शावरमे का जो आखिरी प्रोसेस है ना, ये असल जान है। तो जब तक इसके अंदर क्रिस्प पैदा नहीं होगा तो ये आपको शॉर्मा टेस्ट नहीं देगा। देखिए, इसके जो नॉमिनल अभी इस वक्त प्राइसेस हमने दिए हैं वो है 130। तो भाई ट्राई करते हैं, और ये मेरे ख्याल से कराची में मैंने अभी तक नहीं खाया कोई इस तरीके की कोई ब्रेड के साथ, क्योंकि यार शावरमे की ब्रेड ऐसे नहीं होती। तो ट्राई करते हैं सॉसेस के साथ, फिर आपको बताते हैं कि है कैसा। काफ़ी रिकमेंडेशंस आ रही थी इसकी, तो मैंने बोला यार आना चाहिए यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह यार, माशाल्लाह से बेहतरीन है। और दूसरी बात ये कि जो स्पाइसी लवर्स है ना उनके लिए तबाही हो गया। अच्छा, मैं ख़ुद पर्सनली जो हूँ वो स्पाइसी लवर हूँ, तो जो कादर भाई ने बनाया है वो भी बड़ा स्पाइसी किस्म का बहुत मज़ेदार बनाया है। मेरे फेस पर पसीने आना शुरू हो गए, तो बहुत ही बेहतरीन है यार। अच्छा, ये जो नॉर्मल शॉर्मा होता है उनसे काफ़ी हटकर है, और ये देखो के साथ एक चिली भी दी गई है।
बेहतरीन हो गया यार। तो बहुत नॉमिनल प्राइस है, प्राइस में मेंशन भी कर दूंगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें यार, न्यू चीज़ है, बहुत बेहतरीन है यार। इसका टेक्सचर चेक करें बस आप लोग। अच्छा ये बोनलेस है बिल्कुल, और फ्राइज कोल्सलो सॉस और इसके 300 प्राइस हैं। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं और फिर आपको मैं रिव्यू देता हूँ कि कैसा है भाई। अब बिस्मिल्लाह करते हैं यार। ये देख इसकी ना बस टेक्सचर चेक करें, जो ब्रेड कम की इस पर कोटिंग हुई हुई है ना। ओए होए होए, इसको ब्रेक करते हैं। अच्छा ये बोनलेस है बिल्कुल। ओहो, ये देख। अच्छा इसके अंदर मुझे बताया गया है कि चिकन का कीमा है और इसके अंदर चीज़ है और कुछ स्पाइसेस वगैरह हैं। तो ट्राई करते हैं भाई, बिस्मिल्ला। इतना क्रिस्पी बहुत ज़्यादा है और कोटिंग बहुत अच्छी हुई है इस पर। अभी थोड़ा सेंटर से आएगा ना, ये कोटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है यार। ये देखो, और ये अंदर का अगर कैमरा आपको दिखा पा रहा हूँ, ये स्पाइसेस देखो। यार 300 के अंदर तो बेहतरीन है, और जैसा कि मुझे बताया गया था कि स्पाइसी लवर्स जो है ना उनके लिए बेहतरीन हो गया, बहुत बेहतरीन है। ख़ास तौर पर जो स्पाइसी लवर्स हैं और रोज खाना पसंद करते हैं ना, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। 300 प्राइस हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत नॉमिनल है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक मैं खाता हूँ और मज़े उड़ाता हूँ। जैसे भाइयों ने ट्राई किया है, आप भी एक मरतबा ज़रूर आएँ यहाँ पर ट्राई करें। कुछ अच्छा खाना है, कुछ नया खाना है, तो एक मरतबा ज़रूर आएँ। तो हमारे पास बेसिकली पोर्टफोलियो पे हमारे रेस्टोरेंट के फास्ट फूड है, स्ट्रीट फूड है एंड अरबियन शॉर्मा, यानी वन विंडो में आप तीनों चीज़ें एक साथ खा सकते हैं। आएँ अपनी फैमिली के साथ, आएँ अपने प्यारों के साथ आएँ, और अच्छे खानों का कुछ अच्छा और अफोर्डेबल रेट्स के अंदर खाना है, तो एक मरतबा ज़रूर आएँ। ओखाई मेमन मस्जिद के बिल्कुल सामने माशाल्लाह बर्गर कॉर्नर के नाम से है, जो कि वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन के साथ ही है, कोने में गली के बिल्कुल स्ट्रीट में कोने पे है। तो किसी ने भी अगर आपने आना हो तो नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल मैप के ज़रिए से भी सर्च कर सकते हैं MBC बर्गर कॉर्नर या माशाल्लाह बर्गर कॉर्नर के नाम से। तो आप एक मरतबा ज़रूर आएँ और इंशाल्लाह आपको यू विल एंजॉय अ नाइस मील।